Yo guys, what's up? This is Andrew Cannon. We are back with another video. This video is about Squid Game, Squid Tokens and how it turned out to be a really big scam. So, अगर हम बात करें Squid Games की, तो this is a story based upon the real incident जहाँ पर कुछ लोगों ने गेम खेली अपना debt pay off करने के लिए. एंड उन्होंने कुछ टास्क करे, कुछ डेडली टास्क करे अपना डेप्ट पे ऑफ करने के लिए, क्योंकि जो वो डेप्ट था वो इतना सारा था कि अगर वो उसको ऐसे ही पे करने लगते तो उनको कई जनरेशन लग जाती उस डेप्ट को पे ऑफ कर देने में. एंड इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कुछ स्कैमर्स ने एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी जिसका नाम रखा स्क्विड टोकन्स. एंड उसकी कुछ स्पेशलिटीज रखी, जैसे कि वो प्ले टू अर्न क्रिप्टो करेंसी थी, मतलब उसको आप यूज़ कर सकते थे काफ़ी और गेम्स खेलने के लिए, काफ़ी और ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए. एंड उस क्रिप्टो करेंसी को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते थे कि आप उससे उस क्रिप्टो करेंसी को ही मल्टीप्लाई कर सकते थे, नई क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते थे. अपार्ट फ्रॉम दिस आप उससे नेशनल करेंसीज भी खरीद सकते थे. इस क्रिप्टो करेंसी को मेनली बनाया गया था नेटफ्लिक्स की ही एक गेम स्क्विड गेम्स जो है उसको खेलने के लिए, उसका गेमिंग वर्जन बेसिकली खेलने के लिए, जहाँ पर कुछ लोग गेम्स खेल रहे हैं, डेडली गेम्स खेल रहे हैं, डेडली टास्क कर रहे हैं एंड उनसे उसको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं बेसिकली. एंड देखा जाए तो इसके अंदर सारी के सारी खूबियाँ थी एक क्रिप्टो करेंसी वाली, ये डिसेंट्रलाइज्ड थी, आप इसको ट्रेड कर सकते थे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइक पैनकेक स्वैप्स या फिर डूडू, जो कि एक काफ़ी रिनोन्ड एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स हैं. यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हो एंड आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो इन क्रिप्टो करेंसीज. एंड इतनी सारी स्पेशलिटीज़ होने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने इनको खरीदना स्टार्ट किया. एंड अगर हम बात करें इसकी इनिशियल प्राइस की, तो इनिशियल प्राइस था अराउंड 1 सेंट फॉर वन टोकन. एंड 1 सेंट फॉर वन टोकन पर ये स्टार्ट हुई थी ट्रेड होना, मतलब इतने पर लोगों ने इसको इनिशियली खरीदना स्टार्ट किया था. एंड देखते ही देखते कुछ 3 या 4 दिन के अंदर अंदर इसका प्राइस राइज हो गया अराउंड $2,856 तक. इतना ज़्यादा इंक्रीज होने के बाद अगर हम बात करें परसेंटेज इंक्रीज की, तो दैट वॉज अराउंड 99.99% इंक्रीज एंड इससे भी कहीं ज़्यादा. एंड इतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होने के बाद लोगों ने जब इसको ट्राई करा रीसेल करने के लिए उन्हीं पैनकेक स्वैप या फिर डूडू प्लेटफॉर्म्स पर, तो लोग बेसिकली जिन्होंने इसको बनाया था या फिर जो भी ट्रेडर्स थे, उन्होंने उसकी रीसेलिंग ऑफ कर दी एंड बेसिकली सारे ऑप्शन रीसेल के हटा दिए, ट्रेडिंग ऑफ कर दी इन क्रिप्टो टोकन्स की जिनका नाम था स्क्विड टोकन्स, एंड जितना भी पैसा था उसको लेके भाग गए. तो अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी रख पुल स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ करी एंड जितना भी पैसा उन्होंने कमाया इससे इसको लेके भाग गए. एंड बेसिकली जितने भी लोग और लोगों ने बेसिकली इन्वेस्ट करा था इसके अंदर अपना पैसा एंड इन टोकन्स को खरीदा था, उन्होंने कुछ भी बेसिकली ट्रेड करते टाइम दे वॉजेंट एबल टू ट्रेड. वाई? बिकॉज जितने भी ट्रेडिंग के ऑप्शन थे वो हटा दिए थे इस क्रिप्टो करेंसी पे से. अगर हम बात करें इसके ऊपर, इस इंसिडेंट के ऊपर, कॉन्ट्रिल यूनिवर्सिटी इकोनॉमिस्ट एस्वर प्रसाद ने BBC के एक इंटरव्यू में बोला, इट इज़ वन ऑफ द मैनी स्कीम्स बाय विच नेव रिटेलर्स इन्वेस्टर्स आर ड्रोन इन एंड एक्सप्लोइटेड माय मेवलेंट क्रिप्टो प्रमोटर्स. इन फैक्ट ओपन पंप एंड जर्म स्कीम्स आर रैम्पेंट इन क्रिप्टो वर्ल्ड विद इन्वेस्टर्स ऑफन जंपिंग इन विद आइज वाइड ओपन परहैप्स होपिंग दैट दे कैन राइड अ वेव जंप देयर होल्डिंग्स एंड क्विक प्रॉफिट बिफोर प्राइस कोलैप्स. तो देखा जाए तो ये कितना बड़ा स्कैम था जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया. काफ़ी सारे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करा इसकी स्पेशलिटीज़ या फिर इसकी बेसिकली कैटेगराइजेशन को देखने के बाद कि आप इसको ऑनलाइन गेम्स में यूज़ कर सकते हो, आप इसको दूसरे क्रिप्टो करेंसीज खेलने के लिए, या फिर बेसिकली आप क्रिप्टो करेंसीज को जिस भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इसको हर एक चीज़ में यूज़ कर सकते थे. लेकिन जब बेसिकली प्रॉफिट पे ऑफ करने की बात आई, तो ट्रेडर्स जितना भी प्रॉफिट था उसको लेके फरार हो गए. एंड सो दिस वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी स्कैम टिल डे. एंड आज तक क्रिप्टो करेंसी का इतना बड़ा स्कैम इंटरनेट पर देखा नहीं गया है. एंड मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज होती हैं एंड इसका कोई भी एक ऑनर नहीं होता जो कि इसके रेगुलेशन को मेंटेन करे या फिर इसके रेगुलेशन को ट्रैक करे. जितनी भी पेमेंट आप क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू करते हो उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, प्लस आपने किससे खरीदी या फिर वो क्रिप्टो कॉइन्स किसके पास गए, 3 या 4% की चेंज किसी को भी नहीं पता होती कि कहाँ से आए, कहाँ को गए, उसका प्राइस कितना राइज हुआ कितने टाइम में, इस बात का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है. एंड माइनिंग के फैक्टर्स के ऊपर भी डिफर करता है कि कितने साल कितने कॉइन्स या फिर कितने टोकन्स माइन हुए. तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करें तो पूरी की पूरी जाँच एंड पड़ताल करें,
जितने भी चीज़ें, जितने भी फैक्टर्स उस क्रिप्टो करेंसी को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को ठीक से देख लें। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने भी आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स या फिर जितने भी लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उन सबसे कॉन्टैक्ट कर लें। उसके बाद ही आप बिटकॉइंस, यहाँ तक कि बिटकॉइंस में भी या फिर और किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि दिस इज़ अ केस वेयर द कंपनी एंड जितने भी वो बेसिकली ट्रेडर्स थे, उन्होंने अराउंड, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 3.38 बिलियन डॉलर्स, या फिर अगर हम यूरोस में उस टर्म को देखें तो दैट वाज अराउंड 2.48 मिलियन डॉलर्स यूरोस का प्रॉफिट कमा लिया। एंड दिस इज बेसिकली अ ह्यूज प्रॉफिट मेड आउट ऑफ दोज फेक स्विट टोकन्स। एंड ये स्कैम की स्टोरी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन क्रिप्टोज की स्टोरी अभी बाकी है। अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली सेलिंग एंड परचेजिंग क्रिप्टो करेंसीज ऑन अ डेली बेसिस। अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर एक्चुअली प्रमोटिंग क्रिप्टो करेंसीज ऑन अ डेली बेसिस। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, डू कीप दिस सिनेरियोज इन माइंड। एंड क्रिप्टो करेंसीज में लॉस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि आपको हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए आने वाले टाइम में, इवन इन बिटकॉइंस। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको चैनल पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई अदर चैनल्स एंड दिस चैनल एज वेल। आई मेक वीडियोज ऑन रैंडम टॉपिक। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।